आज हम सुनेंगे चालाक लोमड़ी और भूखे कौवे की कहानी। एक कौवा था, उसे बहुत भूख लगी थी। उसने आसमान में उड़ते उड़ते अपने खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। उसी समय उसे नीचे एक ब्रेड का बड़ा पीस दिखाई दिया। कौवा नीचे ब्रेड के पास आकर बैठा। उसने देखा, ये तो बहुत फ्रेश ब्रेड है और मीठी ब्रेड है। कौवा बहुत खुश हुआ। उसने ब्रेड का पूरा पीस अपने मुंह में लिया, उड़कर पेड़ की डाली पर जा बैठा। उसने सोचा, पेड़ पर बैठकर मैं आराम से ब्रेड का पीस खाऊंगा, क्योंकि वहां ऊपर कोई नहीं आएगा। नीचे कोई ना कोई जानवर आ जाएगा और मेरा ब्रेड का पीस छीन लेगा। ये सोचकर कौवा ब्रेड का पीस उठाकर पेड़ की डाल पर जाकर बैठा। उसी समय वहाँ एक लोमड़ी आई। लोमड़ी ने जब कौवे के मुंह में ब्रेड का पीस देखा तो उसने सोचा, ये ब्रेड मुझे चाहिए। अब मैं इस कौवे से ये ब्रेड कैसे लूँ। वो थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने कौवे को देखती रही। फिर उसने कौवे को बोला कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी आवाज कितनी सुरीली है। जब तुम काव काव करके आवाज निकालते हो, तुम्हारी आवाज तो कोयल से भी ज्यादा मीठी है। मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारी आवाज सुनती रहूं। ये सुनकर कौवा बहुत खुश हो गया। फिर लोमड़ी बोली, मुझे आज तुम्हारा गाना सुनने का बड़ा मन कर रहा है। कौवे, तुम एक अपनी आवाज में एक सुरीला सा गाना तो सुनाओ। कौवा गाना गाने के लिए अपने दोनों परों को फैला लेता है और गाना गाना शुरू करता है। जैसे ही वो गाना गाने के लिए अपना मुंह खोलता है, ब्रेड का पीस आकर नीचे गिर जाता है और लोमड़ी फटाफट जाके वो ब्रेड का पीस उठा लेती है और कौवे की तरफ देखती है, बोलती है, अब मैं बहुत खुश हो गई, और ब्रेड लेकर चली जाती है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ जाता है और बहुत पछताने लगता है कि मैं लोमड़ी की बातों में क्यों आया। मैं कौवा हूँ, कोयल जैसी मेरी मीठी आवाज नहीं हो सकती है। मैं लोमड़ी बातों में क्यों आ गया। कौवा अपनी नासमझी की वजह से भूखा रह जाता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करें। थैंक यू।